ये एक बहुत फिक्रनाक किस्म की सिचुएशन है, बिकॉज इससे सिर्फ फायदा जो है वो अपोजिशन को नहीं होता, इसका फायदा जो है वो सबका ही नुकसान है मुल्क का, मगर फायदा इसका इंडिया को होता है जो चाहता है कि हमारी फौज के ऊपर सिविलियंस अटैक करें और उस फौज को और कमजोर करें और उसके अंदर फूट डालें। बर्बाद कर चुका हूँ इस पाकिस्तान को, तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को, लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को, खराब करें ये फौज के जनरल, नवाज शरीफ आप पाकिस्तान तुम ठीक करो। दफा के लिए 250 अरब रखा गया है और उसके अलावा पेंशनें डाल के 300 अरब जो 20% बनता है बजट का वो दफा के लिए रखा गया है। जो बजट में इस वक्त इनके एलोकेशन हुई है उनके ऊपर इनका हक नहीं बनता, लेकिन आज भी ये पूरी इम्प्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। फौजी जनरल जो सब खून मारते हैं, जो मार्शल लॉ लगाते हैं, ये कौन है थे? क्यों कारगिल का इनका शोशा छोड़ते हैं? जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान था? फौजी टोला। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में आवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। तो खुदा का खौफ करो, कोई हजाब भी होती है, कोई शर्म भी होती है।